हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मी ईशा चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सैनिडर्म के प्योरीफाइंग फेस वॉश के रिव्यू करेंगे। ये कहाँ से मिलता है, इसकी क्या प्राइस है और कौन से स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की। तो की इंग्रीडियंट्स में हमारे पास है सैलिसिलिक एसिड, वाइटामिन ए, वाइटामिन ई। बात करें अगर सैलिसिलिक एसिड की, तो ये एक एक्सफोलिएटिंग इंग्रीडियंट है, ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको एक्नी होती रहती है। ये एक्नी ब्रेकआउट्स वगैरह को काफ़ी कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, उसके अलावा एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ये सारे इश्यूज मोस्टली ऑयली एक्नी प्रोन स्किन में होते हैं, तो ये फेस वॉश ऑयली और एक्नी स्किन के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं इसको, उसकी रीजन मैं आगे बताऊंगी। अभी हम इसकी बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये सल्फेट सिलिकॉन पैराबिन फ्री फेस वॉश है, ठीक है। क्वान्टिटी जो है ये 90 ग्राम्स का है और प्राइस इसकी 425 रुपीज़ है। बाकी आप इसको दराज से भी ले सकते हैं, उसके अलावा इनकी अपनी वेबसाइट से भी आप लोग ले सकते हैं। दराज का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बात करें इसके टेक्सचर की, तो इसका जेल लाइक टेक्सचर है, थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में है और इसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, पर पार्टिकल्स बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ना ही ऐसे फील होता है जैसे फिजिकल स्क्रब आप कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जब आप इसको पानी के साथ अपने फेस पे लगाते हैं तो वो पार्टिकल्स आराम से ब्लेंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी फील नहीं होते। लेदर जो है काफ़ी अच्छी बना देता है, आपको ज़्यादा क्वान्टिटी की भी जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा आपने लेके पानी के साथ इसको अपने फेस पे लगा लेना। अच्छा, एक चीज़ की ये जेल लाइक क्योंकि इसका टेक्सचर है, तो ये जेल लाइक फेस वॉशेज जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लिपरी फील होते होते हैं, तो इसको अगर आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस ना जरा स्लिपरी स्लिपरी आपको फील होगा। आपने क्या करना है, अपने हाथ पे लेके थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से अपने हाथ पे पहले लगाना है, ठीक है, मिक्स करना है पानी के साथ। उसके बाद जब लेदर बन जाएगी फिर आपने अपने फेस पे लगाना है। और क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो हम इसको मैक्सिमम 50 से 60 सेकेंड्स के लिए अपने फेस पे रखेंगे ताकि सैलिसिलिक एसिड वर्क कर ले और उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे फेस से। अब बात करते हैं कि ये किस किस को लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आपकी है ऑयली स्किन, ठीक है, या फिर आपको एक्ने वगैरह हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, तो आप इस फेस वॉश को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको जब यूज़ किया तो मेरी स्किन पे अक्सर ब्रेकआउट्स वगैरह होते रहते थे, तब मैंने इसको अपने स्किन के रूटीन में मतलब ऐड कर लिया। मैं या तो इसको मॉर्निंग में यूज़ कर लेती थी या नाइट में, डे में एक दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करती थी, और अगर डेली नहीं भी तो मैं इसको वीक में एक दो दफ़ा तो ज़रूर यूज़ कर लेती थी और उसको फिर मैं 1 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने देती थी। तो मुझे काफ़ी हद तक लगा है कि इसने मेरी ना एक्नी को, ब्रेकआउट्स को कंट्रोल किया है। इसको जब मैं यूज़ करी थी तो मुझे और जो है ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं हुए। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जेंटल फेस वॉश है, ठीक है, बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता स्किन को। मेरी स्किन काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी लास्ट मंथ से ही तकरीबन, तो इसको मैं यूज़ करी थी, सिर्फ इस फेस वॉश को यूज़ करी थी और सिर्फ मैंने सनब्लॉक अपने रूटीन में रखा हुआ था और एक और जेंटल फेस वॉश यूज़ करी थी, उसमें कोई इना एक्सफोलिएटिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है। तो ये वाला और मैं दूसरा जेंटल फेस वॉश जो है वो दोनों मतलब मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती थी, या जिसको एक टाइम इसको यूज़ कर लेती थी, दूसरे टाइम उसको कर लेती थी। बताना ये चाह रही हूँ कि इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी इरीटेट नहीं किया, बहुत जेंटल रहा है मेरी स्किन पे ये। और जो मैं बता रही थी कि ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका ना टेक्सचर इस तरह का है, आप इसको लगाएंगे उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये खिंचा खिंचा आपका फेस हुआ हुआ है, जिस तरह आपकी स्किन को ना ये ओवर ड्राई नहीं करता। कुछ फेस वॉशेज होते हैं ना जो आप यूज़ करें तो आपका फेस जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपको मतलब ज़रूरत फील होती है कि जब तक आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे आपकी स्किन ऐसे खिंची खिंची रहेगी। मॉइस्चराइजर तो हमने यूज़ करना ही करना है, पर इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ये ओवर ड्राई नहीं करता, काफ़ी मतलब आप कह लें हाइड्रेटिंग टाइप है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ये हाइड्रेटिंग टाइप फेस वॉश है। तो इसलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप स्पेशली समर्स में इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन डिस्टर्ब हुई हुई है या वैसे भी आप ये वाला फेस वॉश कुछ भी ले रहे हैं, तो आपने पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है, आपने देखना है आपकी स्किन को वो सूट कर रही है चीज़ तो आपने लेनी है। हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, जो चीज़ मुझे सूट कर रही है ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही सूट कर रही हो, ठीक है। तो पैच टेस्ट
जो है आपने मस्ट कर लेना है। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, काफ़ी जेंटल फेस वॉश है, आप लोग इसको अपने स्किन के रूटीन में ऐड कर सकते सो हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।